दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौतम टेक में। दोस्तों आज एक बार फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में आप अपनी फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड आप चाहे तो अपनी फ़ोटो लगा लें, चाहे तो आप अपने की फेवरेट एक्टर की फ़ोटो लगा सकते हैं। फ्रेंड नोटिफिकेशन बार क्या होता है? नोटिफिकेशन बार इसे बोलते हैं फ्रेंड जिसे हम अपने मोबाइल की सेटिंग वगैरह ओपन करते हैं। फ्रेंड जैसे आप देख सकते हैं जहाँ फ्रेंड हम अपने मोबाइल का डाटा ऑन करते हैं, ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हैं, जहाँ हम अपने मोबाइल की सेटिंग वगैरह फ्रेंड ओपन करते हैं उसे हम नोटिफिकेशन बार बोलते हैं। आज आपको फ्रेंड मैं बस यही वीडियो बताऊंगा कि आप जहाँ पर इस नोटिफिकेशन बार में आप कैसे फ़ोटो लगा सकते हैं। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड एक बार तो जैसे ही आप चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब करेंगे बैल का आइकन दबाकर आल पर क्लिक जरूर करें। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा ना उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर, आपके पीसी पर और आपके टैब पर आपको मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपको चैनल सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड आपको मिल जाएगा। कोई क्वारी या कुछ पूछना चाहते हो ना आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, नहीं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। फ्रेंड ईमेल आईडी भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड जब आप अपने नोटिफिकेशन बार में आपको फ़ोटो लगानी हो ना तो उसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वैसे तो फ्रेंड वो जो ऐप है वो प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, लेकिन फ्रेंड वो जो प्ले स्टोर में ऐप है फ्रेंड वो एक प्रीमियम ऐप है। मतलब आपको उस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए ना उस ऐप को आपको परचेज करना पड़ेगा, मतलब उस ऐप को फ्रेंड आप खरीदना पड़ेगा। फ्रेंड आज आपको मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि बिना आप एक रुपया भी लगाए, बिना ऐप के ऊपर आप पैसे खर्च किए बिना आप उस ऐप से कैसे अपने नोटिफिकेशन बार में अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं या अपने की सेलिब्रिटी की फ़ोटो लगा सकते हैं, ये आप आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ना तो फ्रेंड वहाँ पर आपको उस ऐप का लिंक मिलेगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस ऐप को डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड आप कैसे प्रोसेस आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे आपने उस ऐप का इस्तेमाल करना है, कैसे अपनी फ़ोटो लगानी है, ये अब आपको मैं बताने वाला हूँ। फ्रेंड वो ऐप मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है और अपने टेलीग्राम चैनल में भी दे दिया है। फ्रेंड आप उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद पहले आप इंस्टॉल कर लें। देखिए फ्रेंड जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे सेटिंग में चले जाएँ, फ्रेंड वो कुछ परमिशन मांगेगा, आपने उस ऐप को परमिशन दे देनी। जैसे फ्रेंड आप अलाउ कर दें, इंस्टॉल कर लें, उसके लिए फ्रेंड आपके फ़ोन में इंटरनेट का होना भी ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। अब फ्रेंड जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी है, अब इस ऐप को आप ओपन करें। इसका ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड ये ऐप जब आप इंस्टॉल कर लेंगे कुछ परमिशन मांगेगा, आपने परमिशन दे देनी है। पहले एक्सेसिबिलिटी की परमिशन ऑन कर दें, 1/6 के ऊपर क्लिक करें। फ्रेंड ये जो यूज 1/6 है इसे आपने इनेबल कर देना, जहाँ से आप अलाउ कर दें। फ्रेंड एक परमिशन आपने दे दी, अब दूसरी परमिशन भी आपको देनी पड़ेगी नोटिफिकेशन की, इसे भी जहाँ से इनेबल कर दें। अब फ्रेंड नीचे ऑप्शन आ रही 1/6, जहाँ पर क्लिक करें, जहाँ से फ्रेंड आप अलाउ कर दें। जैसे फ्रेंड आप परमिशन दे रहे हैं ना आपके सामने ऐप ओपन हो जाएगी, उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का। फ्रेंड जहाँ से आप अपने हिसाब से फ्रेंड आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। आप लेआउट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। आप आइकन की जो शेप होती हैं आप उसका प्रव्यू भी देख सकते हैं। आप अपने
आइकन के जो शेप है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सर्कल कर लें, सर्कल आउटलाइन कर लीजिए, देखिए आपको जैसा फ्रंट ठीक लगे आप वैसा कर लेना। मुझे फ्रंट सर्कल स्लाइस जो पहली ऑप्शन है जो सर्कल स्लाइस मुझे वही ठीक लगी, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। टाइटल ग्रिड इसे भी फ्रंट आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नंबर ऑफ हेडर टाइल ये भी फ्रंट आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। फ्रंट इसमें आपको कितनी सारी कस्टमाइजेशन की ऑप्शन मिल जाती है फ्रंट ये देख सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से फ्रंट देख लेना। अगर मैं एक एक करके बताने लग पड़ा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, जिसका फ्रंट कोई फायदा नहीं होगा। फ्रंट मेन जो सेटिंग है वो जाइए कि आप अपने नोटिफिकेशन बार में फ़ोटो कैसे लगाएं, मैं वो बताता हूँ। फ्रंट ये देखिए आपको कलर की ऑप्शन मिल जाती है, इसमें भी फ्रंट आपको कितनी सारी ऑप्शन मिल जाती है। आप चाहे लाइट कलर सेलेक्ट कर ले, डार्क कलर कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, एक्टिव टाइल कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस फ्रंट स्लाइड कलर चेंज कर सकते हैं। कितनी सारी फ्रंट आपको इसमें ऑप्शन मिल जाती है। डाटा यूजेस एज ट्रिगर पॉपअप एक्स्ट्रा वगैरह फ्रंट ये आप देख लेना। फ्रंट आप अपने नोटिफिकेशन बार में फ़ोटो कैसे लगाते हैं मैं वो बता देता हूँ। फ्रंट कलर में चले जाएँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलती है कस्टम बैकग्राउंड इमेज। फ्रंट जहाँ पर आप सेलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑप्शन पर सिलेक्ट करें और फ्रेंड जहाँ जो भी आप फ़ोटो जहाँ पर भी फ्रेंड आपने फ़ोटो रखी है आप वो वाला फोल्डर सिलेक्ट करें, चाहे गैलरी सिलेक्ट करें, फाइल सिलेक्ट करें, चाहे गूगल ड्राइव सिलेक्ट करें। फ्रेंड जिस फोल्डर में आपने अपनी फ़ोटो रखी है वो फोल्डर को सिलेक्ट करें। मेरे में फ्रेंड गैलरी नहीं है, फाइल है, इसलिए मैं फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। और फ्रेंड जैसे आप फाइल को ओपन करेंगे जहाँ पर भी फ्रेंड आपने फ़ोटो रखी होगी आप फ़ोटो को सिलेक्ट कर लें, कैमरा फ़ोटो को सिलेक्ट कर लें। इसमें फ्रेंड जो भी आपको फ़ोटो अच्छी लग रही जो भी फ़ोटो फ्रेंड आपको अच्छी लग रही है आप वो बड़ी फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे फ्रेंड मैं कोई ले लेता हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करें। फ्रेंड जैसे मैंने ये ले ली अब फ्रेंड वो फिर परमिशन मांग रहा अलो कर दें। अब फ्रेंड अपने हिसाब से आप इस फ़ोटो को क्रूप करें, जितनी आपको फ़ोटो फ्रेंड चाहिए उतना एरिया सेलेक्ट कर ले, बाकी का एरिया क्रूप कर दे। फ्रेंड मुझे इतनी बार फ़ोटो चाहिए, जैसे ही फ्रेंड जो जितनी आपको फ़ोटो चाहिए उतना एरिया सेलेक्ट कर ले। फ्रेंड एक ऑप्शन आपको ऊपर देखने में मिलती है सेलेक्ट की, आप सेलेक्ट कर दें। फ्रेंड जितनी आपको फ़ोटो चाहिए उतना आप एरिया सेलेक्ट करें और बाकी जो फ़ोटो है फ्रेंड वो अपने आप क्रूप हो जाएगी। फ्रेंड मुझे जितना एरिया चाहिए मैंने उतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट कर दें। फ्रेंड अब आप नोटिफिकेशन बार को नीचे करके चेक करें कि आपकी फ़ोटो जो नोटिफिकेशन बार में लगी कि नहीं लगी। ये देखिए फ्रेंड हमारी फ़ोटो फ्रेंड ये है नोटिफिकेशन बार में लग चुकी है। फ्रेंड ये देखिए ये देखिए फ्रेंड हमारी फ़ोटो जो लग चुकी है। अब फ्रेंड इसमें आप अपने हिसाब से जैसे मैंने पहले बताया इसमें आपको कितनी सारे कस्टमाइजेशन की ऑप्शन मिल जाती है। आप अपना टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको वाइट नहीं पसंद तो आप ब्राउन ले लें या जो भी आपको पसंद हो। फ्रेंड जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे नीचे ऑप्शन मिलती है अप्लाई के, अप्लाई कर दें। फ्रेंड आप नीचे नोटिफिकेशन बार में देखिए फ्रेंड आपके नोटिफिकेशन बार का आइकन का कलर भी चेंज हो गया और आपका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया। फ्रेंड जो भी आप जो है देखिए फ्रेंड जहाँ पर जितने भी आपके करीब जितने भी फ्रेंड आपके नोटिफिकेशन आए हुए हैं उन सबका कलर चेंज हो चुका है। फ्रेंड आप जाके देख सकते हैं ऐसे फ्रेंड जो कलर आपको पसंद हो वो वाला ले लें। जैसे आप ब्लू ले सकते हैं, अप्लाई कर दें नीचे नोट बार। ये देखिए फ्रेंड जहाँ पर नोटिफिकेशन बार का भी फ्रेंड कलर भी चेंज हो गया, आइकन का कलर भी चेंज हो गया। फ्रेंड नोटिफिकेशन का जो टेक्स्ट है वो भी फ्रेंड चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड आप ब्राइटनेस स्लाइडर कलर भी वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप डार्क कलर वगैरह भी ले सकते हैं। फ्रेंड बाकी जितनी फ्रेंड आप सेटिंग है अपने हिसाब से देख लेना। अब डायनामिक कलर नोटिफिकेशन को भी फ्रेंड आप अनेबल करेंगे, जैसे फ्रेंड इसे अनेबल करेंगे नोटिफिकेशन बार देख लीजिए फ्रेंड कलर डिफरेंट कलर हो गए। फ्रेंड आपको जितने भी फ्रेंड नोटिफिकेशन आए होंगे ना आपके मोबाइल में फ्रेंड वो सबका कलर चेंज हो चुका आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप ऑफ कर देंगे ये देखिए फ्रेंड
ये देखिए फिर पहले जैसा ही हो गया, आप देख सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड आप अगर तीन एक्टिव आइकन को अनेबल करते हैं, ये देखिए वाईफाई का कलर चेंज हो चुका है फ्रेंड। अगर इसे आप ऑफ कर देंगे, ये देखिए पहले जैसा आ गया। फ्रेंड आप अपने हिसाब से जो आपको सेटिंग पसंद हो आप अपने हिसाब से वो सेटिंग को अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे बैकग्राउंड कलर चेंज कर ले, चाहे टेक्स्ट कलर चेंज कर ले। फ्रेंड आपको जैसा ठीक लगे आप उस प्रकार से सेटिंग अपने हिसाब से वो सेटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड ये जो ऐप है इस ऐप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल में जाएंगे और वहाँ से इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया प्रीमियम प्लान है तो फ्रेंड उसके लिए आपको प्लान परचेज करना पड़ेगा, तभी आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, वरना आप चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड अगर आप फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड आप मुझे सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें, उसका भी लिंक फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ फ्रेंड आप पूछना चाहते हो, कोई आप राय देना चाहते हो तो आप मेरे को फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड आप फ्रेंड चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल भी फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझे ईमेल भी फ्रेंड कर सकते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। फ्रेंड मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फ्रेंड वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, आप भी लाइक कमेंट करें, आप अपने फ्रेंड से भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कराया करें। फ्रेंड मैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपको फिर मिलूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।